नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। वाईफाई कैमरा, वाईफाई कैमरा को हम लोग ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, हम लोग ऑफलाइन परचेज कर लेते हैं, और पहले तो ये परेशानी उतनी नहीं आती थी, बट जब से ब्रॉडबैंड की सर्विस लॉन्च हुई है, चाहे आप किसी भी कंपनी की ब्रॉडबैंड सेवा आप यूज़ कर रहे हैं, खासकर जियो के या फिर एयरटेल के एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे किसी भी तरह के ब्रॉडबैंड सर्विस को आप यूज़ कर रहे हैं, खासकर 5G नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये परेशानी देखने को मिलेगी। जी हाँ, और इस तरह की परेशानियों का क्या सॉल्यूशन है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। खासकर वाईफाई कैमरे में ये नई तरह की परेशानी देखने को मिल रही है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में, उसके सेटअप में पूरा पैसा बर्बाद हो जा रहा है। लोगों के वाईफाई कैमरा जिन्होंने परचेज किया है वो बेकार हो जा रहा है, या तो उनको रिटर्न करना पड़ रहा है या फिर रिटर्न नहीं हो रहे हैं, वो बेकार हो रहा है। क्यों, आखिरकार क्या कारण है, चलिए आज बात करते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है वाईफाई कैमरे को सेटअप करने में, जब वाईफाई कैमरे को आप सेटअप करते हैं वाईफाई से, तो वो वाईफाई का जो सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ एक इशू बन के आ रहा है। अब यहाँ पर दो तरह की समस्या है, एक समस्या है आपका अनस्टेबल नेटवर्क। अगर अनस्टेबल नेटवर्क है किसी भी तरीके से, आपको जो नेटवर्क है किसी भी तरीके से आपको वो नेटवर्क सही तरीके से नहीं मिल रहा, और आपके राउटर में इश्यूज है, बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर ये समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एक आम समस्या है, खासकर ऑप्टिकल फाइबर में ये बहुत कम देखने को मिल रहा है, नेटवर्क स्पीड का इश्यूज कम है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है डुअल बैंड को लेकर। डुअल बैंड, अगर आपने इस बात को सुना है या इस बात को जानते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन है आपको, तो ठीक है, बट अगर आपको नहीं पता है, और अगर पता भी है तो आपने परचेज करते समय वाईफाई कैमरे को इस बात पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका वो वाईफाई कैमरा बेकार हो जाएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं आखिरकार कैसे। देखिए, जब आप वाईफाई कैमरे को कॉन्फ़िगर करते हैं वाईफाई से, तो मैक्सिमम वाईफाई कैमरा अभी के समय में मैक्सिमम वाईफाई कैमरा जो है वो सिंगल बैंडविड्थ में आता है, यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज नेटवर्क में। अब यहाँ पर आपका जो 5G नेटवर्क है, यानी कि आपका जो राउटर वगैरह आ रहे हैं, खासकर आपके जियो है या एयरटेल के राउटर में, कॉन्फ़िगरेशन अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ में आप कर देते हैं राउटर का कॉन्फ़िगरेशन, चूँकि आपको पता भी नहीं है, जो टेक्नीशियन इंस्टॉल करने के लिए आए हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क में सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि आप बोलिएगा कि हमको जो है काफ़ी दूर तक वाईफाई रेंज चाहिए, ठीक है, और काफ़ी दूर तक वाईफाई रेंज चाहिए, तो उस हिसाब से वो सेटिंग कर लेंगे। या फिर आप बोलिएगा कि नहीं, हमको बहुत हाई स्पीड चाहिए, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं चाहिए बट हमको हाई स्पीड चाहिए, तो अगर वैसा आप कहेंगे तो उस तरीके से वो सेट हो जाएगा। ये दोनों आपके बैंडविड्थ पर आधारित होता है। अगर 5 गीगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ पे आपका राउटर कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है जियो का या एयरटेल का, तो आपके वाईफाई उसको सपोर्ट नहीं करता, आपके वाईफाई में कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी वाईफाई से, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी समस्या है, आप सोच लीजिए कि जिसके घर में पहले से जो है गीगा फाइबर लगा हुआ है, सारी चीज़ें हैं, बट उन्होंने एक वाईफाई कैमरे को परचेज किया, ऑनलाइन परचेज किया चाहे ऑफलाइन परचेज किया, और जब सेटअप किया जा रहा है तो सेटअप हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये बैंडविड्थ का इशू आ रहा है। यानी कि आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला बैंडविड्थ का इंटरनेट चाहिए, जो कि आपके वाईफाई कैमरे के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या परेशानी आ जाएगी वो समझ लीजिए, आपका कैमरा में जब सेटअप नहीं होगा तो आपका वो कैमरा बेकार है या फिर वो इंटरनेट बेकार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप डिफरेंस समझ लीजिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज में जो छोटा सा शॉर्ट डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी है समझना। देखिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में क्या होता है, अगर सेटअप यहाँ राउटर आपका इस बैंडविड्थ में होता है तो क्या होता है कि लार्जर वाईफाई एरिया का रेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि आपका वाईफाई जो का जो कनेक्शन का जो रेंज होता है वो काफ़ी दूर तक चला जाता है, ठीक है, दूर में भी कनेक्टिविटी मिलेगी बट स्पीड कम हो जाती है, याद रखिएगा स्पीड कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि मुझे हाई स्पीड चाहिए, तो जब 5 गीगाहर्ट्ज पर जब कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है उस राउटर को, तो स्पीड बढ़ जाती है और रेंज जो है, यानी कि वाईफाई का सिग्नल का जो रेंज होता है वो कम हो जाता है, यही डिफरेंस है दोनों में। और आपका जो अगर राउटर 5 गीगाहर्ट्ज पे है तो फिर आपको टेक्नीशियन को बुलाकर उसे आपको चेंज करवाना होगा, अगर उस राउटर में नहीं ऑप्शन तो या तो चेंज कराना होगा, बट रहते हैं आजकल सेम डुअल बैंड तो रहते हैं, या फिर से कॉन्फ़िगर करवाकर उसे 2.4 गीगाहर्ट्ज में आपको कॉन्फ़िगर करवाना होगा। आप करवाएंगे कॉन्फ़िगर, तभी आपका वो वाईफाई कैमरा उस वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होगा, आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे और आप आसानी से उसे देख पाएंगे, अपने जरूरत को फुलफिल कर पाएंगे। तो ये एक समस्या है जो कि बिल्कुल नई तरीके से आ रहे हैं आज के कस्टमर के साथ, और
इसका सबसे बड़ा कारण है ये ब्रॉडबैंड सर्विस। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपको समझाई वो क्लियर आप समझ गए होंगे, और सोच समझ कर देख कर आप जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर ले रहे हैं तो उस हिसाब से बैंडविड्थ सेट करवाएंगे, और अगर आप उस हिसाब से परचेज करना चाहते हो वाईफाई कैमरा तो आप उस हिसाब से परचेज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।